फर्स्ट ऑफ ऑल कभी ना कभी कॉमन ये प्रॉब्लम आपने फेस किया होगा जिसमें आपको एरर आ रहा होगा जिस ड्राइव पर आप देखते तो सी ड्राइव और डी ड्राइव आपके किसी भी ड्राइव पर ये हो सकता है। मेरे ये दिख रहा है डी ड्राइव पे, इस पर एक छोटी सी तस्वीर एक फोटो सा सिंबल लगा है और एक येलो साइन का एरर आ रहा है। तो इस दोनों डिफरेंट तरह के लोगों को हमें कैसे रिमूव करना है मैं आपको दिखा रहा हूँ। फर्स्ट मैं रिमूव करूँगा ये येलो एयर मार्क जो आपको दिख रहा है येलो कलर का, उसे मैं रिमूव करके आपको बता रहा हूँ किस तरह रिमूव करना है। चलिए शुरू करते हैं। तो हम इसे कमांड के जरिए से ऑफ करेंगे। तो फर्स्ट में यहाँ सर्च में आपको लिखना है CMD। देखिए CMD ला गया, कमांड आ चुका है। इसे हम रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर रन कर लेते हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका जो की है यहाँ कमांड जो है उसका मैंने आपको दे दिया है, आप देख सकते हो। आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो और लिखना नहीं चाहते तो Ctrl-V करके कर सकते हो। और तो आपने देखा उसमें लिखा हुआ था सी और हमारा प्रॉब्लम जो मेरा प्रॉब्लम है वो तो डी से जुड़ा हुआ है। तो सिंपली हमें डी का ड्राइव उपयोग कर लेना है, यहाँ डी लिख देना है इस कमांड में, जहाँ सी लिखा हुआ है वहाँ हमें डी लिख देना है। और अगर आपका एफ है, ई है, कोई भी है आपका जो ड्राइव जहाँ ये प्रॉब्लम है आपको वहाँ वो लिख देना है। जैसे कि आपको मैं दिखा दूँ, जैसे कि यहाँ सी लिखा हुआ है तो आपको कर्सर को यहाँ ले जाना है, फिर वो मूव करा के इसे रिमूव करके इसे रिमूव करके यहाँ मैं डी लिख देता हूँ और जस्ट आपको एंटर मार देना है, एंटर प्रेस कर देना है। तो आप देखिए तो मैंने एंटर लगा दिया है। यह थोड़ा टाइम लेगा लेकिन मेरे साथ एक इशू हुआ, ये कंप्लीट होने के बाद मेरा जो सिस्टम था थोड़ा लैग ले रहा है, लेकिन मैं आपको मैं बता दूँ ये फिक्स हो गया। देखिए आपको ऑफ कर दिया हमने इसे, तो ऑफ करने के बाद ये क्या ऑफ किया मैं आपको फर्स्ट तो ये बता दूँ। ये जो है ना जिस कंट्रोल पैनल ओपन करोगे तो आपको कुछ इस तरह दिखेगा। अगर इस तरह नहीं दिख रहा तो यहाँ से इस कोने से आप एडजस्ट कर सकते हो, उसमें शायद आपका इस तरह होगा। तो आप यहाँ से स्मॉल पर रख कर आप एडजस्ट कर सकते हो इस तरह का। तो ये आप देख सकते हो डिवाइस है डिवाइस स्क्रिप्शन, जैसे कि आप देख सकते हैं ये बीट लॉकर है। तो बीट लॉकर अगर हम लगा दें तो फिर हमें की फूल जाएंगे तो भी प्रॉब्लम आ रहा है, इसलिए हम ज़्यादातर इसका यूज़ तो नहीं करते, हमेशा इसे ओपन रखते हैं। देखिए ताला जो लॉक है वो खुला हुआ है। तो आपको बीट लॉकर है जो हमें कमांड के जरिए ऑफ करना है और उसके बाद उसे आप ऑन करेंगे ना तो ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए हम फिर से चलते हैं हमारे वर्क की तरफ। तो जैसे कि मेरी दिक्कत जो डी में थी तो अब हमको दिखा दूँ। ये देखिए ऑफ करने के बाद ये देख सकते हो आप जो प्रॉब्लम थी वो मेरी सॉल्व हो चुकी है। तो माइक्रोमीटर ओपन कर लेते हैं और चेक करते हैं हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं। तो आप देख सकते हो हमारी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो चुकी है, लेकिन जो लॉक का सिंबल था वो भी गायब हो चुका है और सिस्टम थोड़ी लैग ले रही है। तो मुझे लॉक का सिंबल वापस चाहिए और सिस्टम थोड़ा जो है मेरा लैग कर रहा है, सिस्टम थोड़ा ठीक पक रहा है मुझे सब फील हो रहा है। और जो ऊपर जो लॉक का जो सिंबल था वही मुझे वापस लेना है, लेकिन सिर्फ एरर को हटाना है। तो चलिए फिर से हम कमांड की ओर चलते हैं। तो मैं करना क्या है, जो हमने ऑफ किया था उसे अब हम ऑन कर देंगे। तो ये आप देख सकते हो तो जहाँ हमने मैंने डी को ऑन कर दिया है, तो सी को और डी को दोनों को ऑन कर दिया है। तो जैसे Ctrl-V से आप पेस्ट करोगे ये आ गया, तो आपको सिंपल इसे हटा देना है और एंड लगा देना है, ऑफ की जगह पर एंड लगा दे ऑन और मार देना। जो कि मेरा डी था तो मैं यहाँ सी को हटा के वापस डी ले लेता हूँ। तो डी ड्राइव को मुझे एंटर लगा देना है। एंटर लगाने के बाद आप देख सकते हो ये लॉक वापस आ चुका है और एरर था वो हट चुका है। अब हटाएंगे हम इस फोटो को, दिख रहा है छोटा सा स्मॉल सा फोटो इसे हमें हटाना है। तो वो कैसे हटाना है चलिए वो भी बता दूँ आपको। सिंपली ड्राइव पर राइट क्लिक करेंगे, इसका जो प्रॉपर्टी से उसे ओपन कर लेता हूँ। देन अब हम जाएंगे शेयर में और यहाँ आप देख सकते हो एडवांस शेयरिंग ऑप्शन में, और ये आपको सिर्फ हटा देना है, मार्क हटा ओके दे देना है, यस क्लोज। देन आप देख सकते हो फोटो जो था हट चुका है, गायब हो चुका है।
तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।